अकोला स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने एक महिला यात्री की जान बचाई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। खबरों के मुताबिक महिला यात्री चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो स्टेशन पर गिर पड़ी। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान ने उसे बाहर खींचा, जिससे वो ट्रेन की चपेट में आने से बच गई। इटली के इस्टिया द्वीप में जमीन खिसकने की वजह से कई इमारतें ढह गई, जिसमें 12 लोग लापता हो गए, जबकि मलबे में दबे 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। कहीं गाड़ियां बह गई तो कहीं इमारतें ढह गई, हर तरफ सिर्फ मलबा ही नजर आया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से पहाड़ से मिट्टी बहकर सड़क पर आ गई, जिससे घर, पेड़ और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे सड़कों पर सैलाब और कीचड़ के साथ गाड़ियां बहने लगी। इस हादसे में करीब 10 से ज्यादा मकान इसकी चपेट में आ गए। इटली के गृह मंत्रालय के मुताबिक खराब मौसम की वजह से राहत बचाव के काम में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मोटरबोट के सहारे राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों की मदद की गई। वहीं इस हादसे में प्रशासन की ओर से अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है।